गुगू भाभी, आपके झूठ के आगे है ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे ना आज भी वो दिन याद है, वो जो दही वाले की दुकान पे जाके आपने कितना तमाशा कोई खड़ा कर दिया था है कि दही खट्टा है, दही खट्टा है। बेचारे ने परेशान होके आपको आधा किलो दही ना मुफ्त में ही दे दी, और फिर घर आके आप क्या कहती है, मैंने दही तो मांगी ही नहीं थी है ना। तो उसने कौन सा दही मुझे तोहफे में दिया था, मैं तो वैसे ही देख कर कह रही थी कि खट्टा लग रहा, तो उसने कहा था बाजी चख ले। ओ, आप आधा किलो दही चखने को कहा। अटेंशन प्लीज, अगर किसी को समोसे खाने हैं तो वो बता सकता है, क्योंकि मैं और बिग भी समोसे लेने जा रहे हैं। अगर कुछ और भी खाना है तो वो बता दे। ओ माय गॉड, आप साहिब के समोसे? नो, मैं वो ईट कर सकती हूँ। नो, सुने आप मत खाएगा, घर में भी है ना समोसे घर के बने हुए, आप वो खाएगा, बाहर के तो बिल्कुल मत खाएगा, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अच्छा फलक, मेरे बच्चे आते वक्त ना मेरी बेटी के लिए दही लेते आना, बल्कि चांद को कह देना, और कहना कि शुगर फ्री लेकर आए, जरा डाइट कॉन्शियस है ना मेरी बेटी। ए फलक बेटा, तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरे लिए ताजी ताजी जलेबी ले आना, बड़े दिन हो गए खाए हुए। ही नगो मुमानी, क्यों आप जलेबी से दिल लगाती हैं? अपने शोहर से दिल लगाए ना, मतलब कि हमारे बाबू अच्छे इंसान है वो। पता है ना, वो घास भी नहीं डालेंगे, उल्टा करेले पीस कर खिला देंगे मुझे। किस मिजाज के तुम्हारे मामू, तुम अच्छी तरह जानती हो। अब आप लोग इतनी फरमाइशें कह रहे हैं तो मुझे जाने भी दे, जाऊंगी तो लाऊंगी ना। अरे जाओ जाओ, खैर से जाओ, और सबकी चीजें लेकर आना। हाँ जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज़। अरे भाई, तुम्हारे लिए घर में समोसे रखे ना, स्पेशल बनवाए हैं चिकन के, वो बना देंगे, ठीक है? हेलो, समोसे। कभी कभी ऐसा लगता है आप ऐसा ख्वाब है जो। प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद मत परेशान करें, आप मेरे सामने ही मत आया करें। पागल, ये तो आप ही का घर है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सितारा, इट्स ओके, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ।